इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करके, इस पर चल करके, उस परमात्मा के धाम का, उसकी लीला का और उसके स्वरूप का दीदार करना, दर्शन करना, उसको अपने हृदय में देखना, वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। चाहे हम किसी भी परंपरा को, चाहे हम वेद परंपरा का अनुसरण करते हों, चाहे कतें परंपरा का, सभी का यही कथन होगा, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे वेद परंपरा में, हिंदू परंपरा में जितने भी ऋषि मनीषि हुए, सबका यही कथन है कि तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम, तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। उस परमात्मा को आत्मदृष्टि से देखे बिना, अनुभव किए बिना शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रणधार सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, वैसे तो आधे से ज्यादा सुंदर साथ चाहते हैं कि नेपाली में चर्चा हो तो अच्छा है, लेकिन मजबूरी यह है कि हिंदी में करूँ तो सबको समझ में आएगी और नेपाली भाषा में लगभग आधे लोग ही समझ पाएंगे, तो आज की चर्चा भी हिंदी में ही रहेगी। हिंदी समझना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि प्रतिदिन सभी लोग टेलीविज़न देखते हैं, तो शायद सबको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, बशर्ते सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। आज का जो विषय है, हमने लगातार दो बहनों से और अभी अंतिम में कुंदन छोटा भाई आया था, उसके मुख से हमने ब्रह्मवाणी की महिमा सुनी कि ब्रह्मवाणी की महिमा क्या है। तो कुल मिलाकर विषय मिलता जुलता है कि हमने ब्रह्मवाणी की महिमा को संक्षेप में इस तरह से सुना कि एकमात्र ब्रह्मवाणी ही वह ज्ञान है जिसके माध्यम से अथवा जिसको अपना करके हम परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला के विषय में जान सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि फिर वास्तव में ब्रह्मवाणी के आधार पर परब्रह्म का धाम, स्वरूप और उसकी लीला कैसी है, कहाँ पर है। तो ब्रह्मवाणी का आधार लेकर के अन्य ग्रंथों के प्रमाणों के साथ में हम आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न ये है कि परब्रह्म कहाँ है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कैसा है, क्योंकि दोनों प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इस संसार में मुख्य रूप से दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। एक वर्ग परमात्मा को साकार मानता है और दूसरा निराकार। साकार मानने वाले जितने लोग हैं अथवा साकार वाली जो विचारधारा है, उनका मानना यह है कि परमात्मा अलग अलग रूपों में अलग अलग तन से अवतार धारण करता है, और फिर परमात्मा के नाम पर भिन्न भिन्न देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की आकृति और उन आकृतियों की मूर्ति अथवा तस्वीर बना करके पूजी जाती है। कोई शिवलिंग की पूजा करता है, कोई शालिग्राम की पूजा करता है, कोई शिवजी के मूर्ति बना करके अथवा उनकी फोटो बना करके पूजा करता है, और वो फोटो भी एक मनुष्य की आकृति की बनाई जाती है। कोई विष्णु भगवान की मूर्ति अथवा फोटो बना करके पूजा करता है, उसके चार हाथ जिसमें शंख चक्र गदा पद्म दिखाया जाता है। इसी तरह से किसी ने उस परम शक्ति को मातृसत्ता का रूप दिया और
देवी का रूप देकर के, देवी की आकृति देकर के, किसी ने 8 हाथ की, किसी ने 10 हाथ के स्वरूप की मूर्ति बनाई और फिर उसकी पूजा शुरू की। तो कुल मिलाकर के साकार वाली जो विचारधारा है वो इस तरह से अपनी भक्ति किया करती है। दूसरी जो विचारधारा है वो है निराकार की, जो ये कहती है कि परमात्मा निराकार है, और जब अगर निराकार माना है तो उसके साथ में तुरंत प्रश्न ये उठता है कि फिर वो परमात्मा कहाँ पर है। तो उस परमात्मा को निराकार साबित करने के लिए, निराकार सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि संसार के कण कण में परमात्मा है, क्योंकि अगर उसे एक धाम में स्थित मानेंगे तो फिर हमें साकार मानना पड़ेगा, क्योंकि जो एक देशी हो गया वो साकार है, और वो जो सर्वदेशी है अर्थात प्रत्येक जगह पर प्रत्येक कण कण में व्याप्त है तो वह निराकार है। तो निराकार वाली जो विचारधारा है मुख्य रूप से इतनी है। अब जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं तो ब्रह्मवाणी के आधार पर हमें ये समझ में आती है कि परमात्मा न तो निराकार है न साकार है। अब प्रश्न होता है कि निराकार भी नहीं है साकार भी नहीं है तो वो है कैसा? उसे ब्रह्मवाणी का जो सिद्धांत है उस परमात्मा को शुद्ध साकार बताती है। शुद्ध साकार का तात्पर्य है कि उसकी आकृति तो है, उसका स्वरूप है, उसकी छवि है, लेकिन उसकी शोभा को, उसके श्रृंगार को, उसकी आकृति अथवा उसकी छवि को इस शरीर के, हमारे स्थूल शरीर के आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको शुद्ध साकार कहा जाता है। आकार रहते हुए भी वो शुद्ध है अर्थात इंद्रियातीत है। अब जब हम वेदों में देखते हैं, क्योंकि हम प्रमाण ढूंढते हैं किसी भी बात के लिए, तो हिंदुओं का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वह वेद है। वेदों को सृष्टि का आदि पुस्तक कहा जाता है, उसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, ईश्वरीय वाणी कहते हैं। इसी प्रकार वेदों के व्याख्यान ग्रंथ है उपनिषद, फिर दर्शन इत्यादि हैं। और जब हम कतेब परंपरा में जाते हैं तो कतेब परंपरा में इंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, जिसमें बाइबल और कुरान की उनका जो प्रचलन है अथवा उनका जो प्रचार है समाज में ज़्यादा है। तो इन सभी धर्म ग्रंथों में जब हम देखते हैं परमात्मा के धाम, स्वरूप अथवा लीला के विषय में, तो हमें ब्रह्मवाणी की एक एक बात, ब्रह्मवाणी की एक एक चौपाई हमें सत्य प्रतीत होती है, और वो सत्य ही है। जैसे परमात्मा के स्वरूप के विषय में जब हम बात करें तो हमने दोनों प्रकार की विचारधारा को सुना, साकार और निराकार का। वेदों का कथन है अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्योर आत्मानं धीरम अजरम युवानम। परमात्मा इस संसार के लौकिक कामना से रहित है, धीर है, अजर है। अजर का मतलब जिसको कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती है, जरा अवस्था नहीं आती है, और युवा है। युवा का मतलब किशोर है। उस परमात्मा को हम सत्य, चेतन और आनंद, संधि से अगर कहें तो सच्चिदानंद कहते हैं। किशोर स्वरूप है, और अगर सत्य स्वरूप है तो सत्य का मतलब होता है जो तीनों कालों में एक समान रहने वाला है, तो उसका किशोर स्वरूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये वेदों का कथन है। वेद में परमात्मा को किशोर स्वरूप वाला कहा, युवा स्वरूप कहा। वेद कहते हैं येषाम इंद्रो युवा सखा, वह युवा है और सभी आत्माओं का सखा है। अब जब उसको किशोर कह दिया गया, किसी स्वरूप वाला कह दिया गया, तो उसको निराकार कैसे कह सकते हैं? और अगर वो निराकार नहीं है तो फिर इस संसार के कण कण में व्यापक अथवा सर्वव्यापक कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भूमिका बहन से प्रवचन सुना, उसने कहा कि ब्रह्मवाणी का कथन है
काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो या में होता तो भंग ब्रह्मांड को न होई। परमात्मा को तो हमने अजर कहा, अमर कहा, युवा स्वरूप वाला कहा, सच्चिदानंद स्वरूप कहा, तो फिर जब संसार के कण कण में परमात्मा है, जैसे दूध में अथवा पानी में चीनी को घोल दिया जाए, चीनी का गुण क्या है? मिठास। तो मिठास का गुण दूध अथवा पानी की प्रत्येक बूंद में होनी चाहिए। उसी तरह से संसार के कण कण में अगर परमात्मा का स्वरूप व्याप्त हो, व्यापक हो, तो परमात्मा के प्रत्येक गुण इस संसार के प्रत्येक कण में आने चाहिए, जैसे वो सत्य है। अर्थात परमात्मा का स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता, इस संसार का तो प्रत्येक कण परिवर्तित है। ये संसार कल आज के जैसा नहीं था, आज कल के जैसा नहीं है, और कल आज के जैसा नहीं रहने वाला है। कुछ सौ वर्ष पहले संसार की स्थिति दूसरी थी और कुछ सौ साल के बाद में संसार की स्थिति अलग होने वाली है, तो उसको सत्य कैसे कह सकते हैं? ये संसार चेतन नहीं है, गतिमान है, गतिमान को चेतन नहीं कह सकते। संसार में गति है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अलग अलग ग्रहों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उन ग्रहों की शक्ति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष में और कक्ष में गतिशील है। लेकिन गति होने का मतलब वो चेतन नहीं है। वैसे तो हम स्विच ऑन करते हैं, पंखा भी घूमता है, गाड़ी चलती है, हवाई जहाज उड़ती है, तो इनको चेतन नहीं कहा जा सकता। उनमें गति किसी ऊर्जा के कारण है, किसी जड़ ऊर्जा के कारण। इसी तरह से पृथ्वी में गति है लेकिन ये चेतन नहीं है, जबकि परमात्मा चेतन है। परमात्मा में चेतना के लक्षण है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। और उस परमात्मा को आनंद का स्वरूप कहते हैं, उस परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहते हैं। भाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती है। हिंदू उसको संस्कृत भाषा से प्रार्थना करेगा, कोई ईसाई होगा, क्रिश्चियन होगा, तो वो भी अपनी अपनी भाषा में, अपनी प्रांतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में प्रार्थना करेगा। मुसलमान अगर होगा, इस्लाम का अनुयायी होगा, तो अरबी, उर्दू, फारसी में प्रार्थना करेगा। लेकिन परमात्मा के लक्षण कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। उसको अगर हिंदू सत्य, चेतन और आनंदमयी कहता है, तो उसका विरोध करने के नाम पर कोई ईसाई अथवा कोई मुस्लिम उसको असत, जड़ और दुखमय नहीं कहेगा। कोई भी परमात्मा को असत्य तो नहीं कह सकता, कोई भी परमात्मा को जड़ अथवा दुखमयी नहीं कह सकता, क्योंकि सभी परमात्मा को आनंद का स्वरूप मानते हैं। भाषा अथवा कहने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता। तो परमात्मा सत्य, चेतन, आनंदमयी है। इस संसार के कण कण में अगर परमात्मा को ढूंढने लगे तो ये संभव नहीं है। अब कुछ विद्वान ये तर्क दिया करते हैं कि परमात्मा इस संसार के कण कण में तो है, जैसे दूध के कण कण में घी व्याप्त है, लेकिन जैसे दूध में व्यापक घी को निकालने के लिए मंथन की जरूरत पड़ती है, दही जमाने की जरूरत पड़ती है और उसको मथानी में घुमाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से संसार में, संसार के कण कण में व्यापक परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान और ध्यान रूपी मंथन की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ विद्वानों का तर्क है। लेकिन इस तर्क में ये जो उदाहरण दिया गया है दूध और दूध में व्यापक घी का, ये उदाहरण ही गलत है, क्योंकि दूध में व्यापक घी को निकालने वाला व्यक्ति कोई तीसरा होता है। यहां तो जब हम कहते हैं कि परमात्मा संसार के कण कण में है, तो खोजने वाला भी परमात्मा और जिसकी खोज हो रही है वो भी परमात्मा, जिस ब्रह्मांड में खोज हो रही है वो भी परमात्मा, तो क्या घी घी में से घी को अलग कर रहा है? यह खोजी कौन है फिर? अगर सभी में परमात्मा व्यापक है तो खोजी कौन है? अज्ञानता
किस बात की है, क्योंकि अगर कण कण में परमात्मा है तो अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, मृत्यु नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। जबकि हम तो प्रतिदिन प्रार्थना किया करते हैं, हम जब स्कूल विद्यालयों में जाते हैं तो एक प्रार्थना सिखाई जाती है बच्चों को, कहते हैं असतो माँ सतगमय। अर्थ क्या है इसका कि हे परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अब जब सब कुछ परमात्मा है तो असत्य और सत्य कहां से आ गए? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो अंधकार और प्रकाश दो अलग अलग पदार्थ हो रहे हैं। मृत्योर मां अमृतम गमयति, मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलिए। तो सोचे कि कण कण में परमात्मा कैसे हो सकता है? कबीर जी का कथन है, पिंड में होता तो मरता ना कोई। पिंड अर्थात ये शरीर, अगर इस संसार में इस शरीर में परमात्मा होता तो किसी की मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। इस ब्रह्मांड के कण कण में अगर परमात्मा का अस्तित्व होता तो सब कोई देख लेते, और सब कोई अर्थात जो देखने वाला है वो भी परमात्मा ही होता। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साई हमारा। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा तो शरीर और संसार दोनों से परे है, उस परमात्मा तक हमारे ये चक्षु नहीं पहुंच सकते, इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, मन और बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं जा सकती है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो कुतो एम अग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। कहते हैं कि उस परमात्मा के धाम में, जिसको हम उपनिषदों की भाषा में कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुरे ही यशव यमनी आत्मा प्रतिष्ठित, उस दिव्य ब्रह्मपुर में इस नश्वर सूर्य की, चंद्रमा अथवा नक्षत्र की किसी की भी प्रकाश नहीं है। वहाँ स्वयं परमात्मा का ही प्रकाश सभी कणों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। हमने थोड़ी देर पहले अनिल श्रीवास्तव जी की चर्चा सुनी थी, तो हमने उसमें सुना कि परमधाम में प्रत्येक कण के रूप में लीला करने वाला कौन है? अक्षरातीत श्रीराज जी। तो परमधाम में प्रत्येक कण के रूप में जो नूर दिखाई पड़ रहा है, जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो उस दिव्य ब्रह्मपुर में ही है, इस संसार के कण कण में नहीं है। तो ये तो हुआ वेदों का कथन। वेदों के कथन में, उपनिषदों और दर्शनों के कथन में विरोधाभास नहीं हो सकता, और अगर कहीं विरोधाभास दिखाई पड़ता है तो तब भी हमें वेदों के कथन को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। इसलिए मैं हिंदू पक्ष में वेदों के कथन को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम जब कत्व परंपरा में देखते हैं तो कत्व परंपरा के अनुयायी, अर्थात चाहे वो ईसाई मत के अनुयायी हों चाहे इस्लाम मत के अनुयायी, उनका क्या मानना है? वो भी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अधिकतम वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और संसार के कण कण में व्यापक है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा स्वर्ग में है। जो लोग बाइबल का आधार लेकर के परमात्मा को निराकार कहते हैं और ये कहते हैं कि हम अगर ईसाई मत का अनुसरण करेंगे, जीसस क्राइस्ट की बातों को मानेंगे, उनकी बात को हम अगर फॉलो करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हम बाइबल को ही अगर ध्यान से पढ़ें, बाइबल की पहली पंक्ति, पहली लाइन, बाइबल की पहली किताब है जिसको कहते हैं सृष्टि की किताब, अंग्रेजी में कहा है बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें बाइबल की सबसे पहली लाइन है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। हेवंस प्लूरल में है, बहुवचन में है। अब कुछ लोग उसका अर्थ लगाते हैं, आपको अगर आप हिंदी बाइबल में अथवा नेपाली में जो बाइबल आपको उपलब्ध होगा उसमें देखेंगे तो किसी बाइबल में ये लिखा रहेगा कि परमात्मा ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, और हेवन का अर्थ जहाँ तक हम सब ने स्वर्ग ही पढ़ा है। और अगर स्वर्ग की रचना परमात्मा ने की तो स्वर्ग की रचना करने से पहले परमात्मा कहाँ पर था?
पहली बात। दूसरा, ईसाई मत के अनुयायी परमात्मा के स्वरूप को निराकार कहते हैं, जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भूमिका बहन से भी सुना था, बुक ऑफ जेनेसिस का ही उदाहरण उन्होंने दिया था, जिसमें लिखा है कि द गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ऑन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी आकृति में रखकर बनाया। कुछ लोग उसका अर्थ कहते हैं परमात्मा ने मनुष्य को अपनी छाया में रख करके बनाया। दोनों प्रकार का अगर अर्थ हम मानते हैं, दोनों में से कोई भी अर्थ हम माने, तो इससे परमात्मा का स्वरूप ही सिद्ध होता है, परमात्मा निराकार सिद्ध नहीं होता। तो उस परमात्मा को निराकार तो बाइबल ने भी नहीं कहा, उसकी स्वरूप का वर्णन किया है, उसकी आकृति का वर्णन किया है। इसी तरह से कुरान अगर हम देखें तो इस्लाम मत के अनुयायी कहते हैं कि परमात्मा कैसा है, बेचून है, बेचगुन है, बेसब्बी बेनिमून है, अर्थात निराकार है, निर्गुण है, अनुपम है, अगोचर है। लेकिन कुरान ही क्या कहती है, कुरान का कथन है, एक प्रसंग आता है जिसको प्रत्येक इस्लाम मत का अनुयायी स्वीकार करता है, शब ए मेहराज, मेहराज कहते हैं दर्शन। जब मोहम्मद साहब को दर्शन हुआ, दीदार हुआ, तो उसमें लिखा है कि मोहम्मद साहब ने खुदा की अमृत सूरत का दीदार किया। अमृत का अर्थ होता है किशोर, युवा। और उसमें लिखा है कि मोहम्मद साहब ने जब दर्शन किया तो कहते हैं कि खुदा की गेसुओं में से, गेसु कहते हैं केश को, बाल को, खुदा की गेसुओं में से इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। एक और उदाहरण दिया था भूमिका बहन ने कि अगर परमात्मा निराकार है तो सातवें दिन न्याय के सिंहासन पर बैठ करके सबका न्याय कौन करेगा? अगर वो निराकार है तो सिंहासन पर क्यों विराजमान हो रहा है? और कुरान में उस परमात्मा के धाम का वर्णन है, उसको अर्श आजम कहा है। अर्श आजम का मतलब अर्श कहते हैं धाम को, आजम कहते हैं श्रेष्ठ, जिसको हम दिव्य ब्रह्मपुर कहते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है। तो चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, प्रत्येक ग्रंथ में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, और स्वरूप का वर्णन संकेत में किया है। धाम का वर्णन है तो धाम का वर्णन भी संकेत में किया है। और उस धाम और स्वरूप के वर्णन के विषय में जो भी संकेत किए गए थे, ये वाणी उनको स्पष्ट करती है। और वाणी में, सागर तथा श्रृंगार ग्रंथ में, परमात्मा के स्वरूप का एक बार नहीं, सात बार वर्णन किया है। अब सवाल ये होता है कि एक बार वर्णन करने से भी काम चल जाता, सात बार वर्णन इसीलिए किया। एक संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र पढ़ाया जाता है, कहते हैं द्विबद्धम सुबद्धम भवति। जैसे हम गांठ बांधते हैं ना किसी धागे में, तो एक गांठ नहीं बांधते हम, दो बार गांठ बांधते हैं। दो बार गांठ बांध लेने पर हम ये मान लेते हैं कि चलो ये गांठ दृढ़ हो गई। सात बार वर्णन करने का मतलब ये है कि चलो एक बार में अगर दृढ़ नहीं बैठा हृदय में, तो कम से कम सात बार जब पढ़ेंगे हृदय में वो पक्का बैठ जाएगा, परमात्मा की छवि बैठ जाएगी। तो इसलिए राज्य के नख से लेकर के सिख तक का, युगल स्वरूप के नख से लेकर सिख तक का सात बार वर्णन किया है। उसकी लीलाओं का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में किया है, और उसके धाम का वर्णन भी परिक्रमा तथा खिलवत ग्रंथ में किया है। तो जितने भी संकेत है उस परमात्मा के विषय में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, कुरान में, बाइबल में, उन सभी संकेतों को जाहिर करते हुए, उन सभी संकेतों को पूरा करते हुए साक्षात अक्षरातीत धामधनी इस ब्रह्मवाणी को लेकर आए। और इस ब्रह्मवाणी की जो चौपाई आज मैंने खोली थी, उस चौपाई में कहते हैं, आए आगम वाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कॉल सबन के पूरे भये, आए सो पहुँचे निशान। निशान का मतलब संकेत, कॉल का मतलब होता है वादा। कौन सा वादा? कि परमात्मा इस संसार में आएंगे अपनी ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए, और जब वो इस संसार में आएंगे तो फिर
ऐसी कौन सी घटना घटित होगी जिससे कि हम उसको पहचान सकें, कौन सा समय रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, ये सभी संकेत धर्म ग्रंथों में पहले से ही किए गए थे। तो उन सभी संकेतों को, उन सभी भविष्यवाणियों को सिद्ध करते हुए, जो भविष्यवाणियाँ हिंदू धर्म ग्रंथ में और कत्यप परंपरा में दोनों में लिखे गए थे, उनको सत्य सिद्ध करते हुए वो परमात्मा इस संसार में आए। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अथवा कते परंपरा में कहें तो आखरुल इमाम मोहम्मद महदी द सेकेंड क्राइस्ट के रूप में इस संसार में जाहिर हुए अपने निश्चित समय के अनुसार। वाणी कहती है, चेतो सबे सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया प्रमाण। सत्यवादी का मतलब जितने भी सत्यवादी थे, जितने भी धार्मिक लोग थे और जितने भी लोग भविष्यवाणी करने वाले थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। अब उनको हम देखते हैं संक्षेप में। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये भविष्यवाणी की गई थी कि जब परमात्मा आएंगे, सालिवाहन का 1600 वर्ष व्यतीत होगा। सालिवाहन साकात्तु गत षोडशकम शतम जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदशष्ट त्रिकम यदा तदायम सच्चिदानंदो अक्षरात परतः परः। तो संवत निश्चित किया गया, विक्रम संवत का 1738 चल रहा था और शक संबद्ध 1600 चल रहा था जब इस संसार में परब्रह्म जाहिर हुए और उनके द्वारा परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ। इसी तरह से परिस्थिति बताई गई कि मही तले च मलेक्षानाम राज्य वंश प्रवर्तते परस्परे विरोधे च औरंगाख्यो भवेत यदा। इस्लाम मत का राज्य इस पृथ्वी पर चल रहा होगा, आपस में विरोध होगा और औरंगजेब नाम का बादशाह शासन कर रहा होगा। और उस समय में अब कते परंपरा को देखते हैं तो कते परंपरा में भी ये परमात्मा के आने का, वो खुदा कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला के आने का जो वर्णन किया गया उसमें ये संकेत दिया गया कि कयामत, उसको कयामत कहा और कयामत के लक्षण बताए गए, कयामत के निशानियां बताई गई कि कयामत के बड़े बड़े 7 निशानियां होंगी, उसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी निशानियां हैं। और 7 निशानियों में से ये कहा गया कि जिस समय परमात्मा इस संसार में आएगा, जिस समय खुदा अल्लाह ताला आएगा, तो उस समय पश्चिम से सूर्योदय होगा, कब्र से मुर्दे उठेंगे, असराफिल जो फरिश्ता होगा वो सूर बजाएगा। सूर का मतलब होता है सहनाई, एक बाजा होता है। आप आसाम में रह रहे हैं, यहाँ पर नेपाली परंपरा में जब शादी हो जाती है ना, शादी होती है तो शादी में एक बाजा बजाया जाता है, हम पंचे बाजा बोलते हैं, उसमें एक सनई एक बाजा होता है। तो उस तरह सहनाई बजाएगा और वो सहनाई 2 बार फूकेगा। पहली बार जब सूर फूकेगा तो बड़े बड़े जो पहाड़ है वो उड़ेंगे रुई की तरह, और जब दूसरी बार सूर फूकेगा तो ये दुनिया कायम हो जाएगी, अखंड हो जाएगी, दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी। ये कते परंपरा का कथन है, मैंने संक्षेप में बताया क्योंकि अगर हम 7 निशानियों की व्याख्या करने लग जाएंगे तो सारा समय उसी में निकल जाएगा। इसी तरह से बाइबल का कथन है कि फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल कम डाउन फ्रॉम द हेवन विद हिज ग्रेट ट्रम्पेट। परमात्मा स्वयं अपने, चाहे स्वर्ग कहें चाहे अपने निवास से कहें, हेवन कहा इसमें, कि अपने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे अपने ट्रम्पेट के साथ में, अपने बाजा के साथ में। और उसमें भी ये बात बताई गई है कि वो जो बाजा बजेगा वो 2 बार बजेगा। ब्रह्मवाणी की अंतिम चौपाई शायद जितने सुंदर साथ बैठे हैं सबको याद होगी। हम क्या कहते हैं, एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे 13 ही में कायम किए, 2 बार सूर फूंकने का वर्णन है। अब वो बाजा कौन सा है, अब वो जाहिरी बाजा नहीं बजने वाला है, जाहिरी सहनाई नहीं बजने वाली है, ट्रम्पेट नहीं बजने वाला है अथवा बांसुरी नहीं बजने वाली है। ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी है, ब्रह्मवाणी रूपी बाजा है उस परमात्मा के
जोश की शक्ति के द्वारा, उस परमात्मा की जागृत बुद्धि की शक्ति के द्वारा, जिसको कते परंपरा में असराफिल और जबराइल कहा गया है। कुछ लोग जिब्रिल कहते हैं, कुछ लोग गैब्रियल कहते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो जोश और जागृत बुद्धि के फरिश्ते के द्वारा ये जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, यही ब्रह्मवाणी वो सुर है, वो सहनाई है, वो ट्रम्पेट है, जिसके शोर से बड़े बड़े पहाड़ उड़ने का तात्पर्य ये है कि संसार में ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी थे, जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा ज्ञानी प्रचारक प्रवक्ता मनीषी कहलाते थे, ब्रह्मवाणी के शरण में आने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान रूपी अहंकार को, अहंकार रूपी जो पहाड़ है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति घमंड करता है तो घमंडी व्यक्ति को कहा जाता है कि इसका सिर तो पहाड़ जैसा हो गया है, अथवा ये पहाड़ की तरह तन करके रहता है, झुकना नहीं जानता। तो पहाड़ का मतलब जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार था, ब्रह्मवाणी के शरण में आने के बाद ज्ञान का वो अहंकार ही समाप्त हो गया, क्योंकि अहंकार तब तक रहता है जब तक कोई किसी व्यक्ति के पास में सत्य ज्ञान नहीं होता है। तो जब हमें ये पता चले कि जिस ज्ञान का अहंकार लेकर के अब तक हम चल रहे थे, वास्तव में वो ज्ञान तो केवल संकेत था, और संकेत को पकड़ करके जब हम इतना अहम ले रहे थे, तो जब हमें पूरा खजाना ही मिल गया, पूरा रहस्य ही हमारे लिए उद्घाटित हो गया, तो फिर हमें अहंकार किस बात का। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तो केवल बूंद मात्र था, और जब हमें सागर मिल जाए तो हमारे अंदर से वो अहंकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि जब पहली बार सुर फूकेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ उड़ करके चले जाएंगे, और दूसरी बार सुर फूकने का मतलब ये है कि अपने अहंकार को मिटा करके सत्य ब्रह्म ज्ञान को अगर हम हृदय में बसाते हैं, क्योंकि हृदय में कोई ज्ञान जो नया प्रतीत हो रहा हो, नया लग रहा हो, उसको कोई व्यक्ति तभी ग्रहण करता है जब वो अपने अहंकार का त्याग करता है। अगर हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही ज्ञान है, हम जिस मत को मान रहे हैं हम उसी को मानते रहेंगे, चाहे असत्य लगे चाहे सत्य लगे, हम अपनी परंपरा का वहन ही करेंगे, हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, ये अहंकार कहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अहम का त्याग कर देता है वो सत्य को स्वीकार करता है, और सत्य को स्वीकार करना ही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। सत्य को स्वीकार करने में और असत्य का त्याग करने में प्रत्येक धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति को उद्यत रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सत्य धर्म का लक्षण नहीं है। सभी लोग ये मानते हैं कि धर्म के लक्षणों में सत्य आता है, तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए। चौपाई कहती है, चेतो सबे सत्यवादियो सुनियो सो सतगुरु मुखवान। सत्य का पालन करने वाले, सत्य बोलने वाले लोगों, अब तुम सतगुरु के वचन से उद्गारित, सतगुरु के मुख से अवतरित इस वाणी को सुनो। और इस संसार में प्रकट कौन हुआ है, कहते हैं धनी मेरा। जो भी अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, जो भी अपने आप को परमात्मा की आलादिनी शक्ति अथवा आनंद अंग आनंद शक्ति कहते हैं, उनकी आत्मा का प्रियतम धनी, और जो इस संबंध को नहीं पहचानते उनके लिए प्रभु, अर्थात ब्रह्म सृष्टि की आत्मा के प्रियतम और जीवों के प्रभु इस संसार में प्रकट हो चुके हैं, अवतरित नहीं हुए हैं। परमात्मा अवतार नहीं लेता है, वो प्रकट होता है। तो वो इस संसार में प्रकट हो चुके हैं, जाहिर हो चुके हैं, और उन्होंने ही वह ज्ञान दिया है जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसी ब्रह्म ज्ञान की महिमा के विषय में हमने कुंदन से सुना, हमने भूमिका बहन से सुना, और जितने भी प्रवक्ता आगे आएंगे वो भी इस ब्रह्मवाणी की ही चर्चा करेंगे, जिस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला के विषय में पता चला है। और अभी तो हमें सिर्फ संकेत ही मिला है, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी को अगर हम जाहिरी रूप से देखते हैं, सिर्फ शब्दों को देखते हैं, तब भी 18,758 चौपाइयां हैं, 14 ग्रंथ हैं, 14 अलग अलग किताब हैं। तो इसके विषय में तो हम केवल एक घंटे के प्रवचन में अथवा 5 दिन के कार्यक्रम में सिर्फ संकेत किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपरी तौर पर बताया जा सकता है, लेकिन अगर कोई वास्तव में इस आनंद को पाना चाहता है,
वास्तव में इस आनंद में डूबना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि वो इस ब्रह्मवाणी को पढ़े, समझे, मंथन करे और फिर आत्मसात करे। सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जैसे किसी ने मुख से बोल दिया कि गुड़ मीठा होता है, स्वाद आया नहीं। किसी ने लिख दिया कि गुड़ मीठा होता है, तब भी स्वाद नहीं आया। लिखी हुई बात को हम पढ़ें, अगर उसको बार बार रिपीट करते रहें, दोहराते रहें, रटते रहें कि गुड़ मीठा होता है, मीठा होता है, स्वाद उसका नहीं आने वाला। गुड़ की मिठास तभी आएगी जब हम उसको चखेंगे। वैसे ही हमें इतना पता चला कि इस ब्रह्मवाणी से हमें परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला का पता चलता है। तो पता चलने का मतलब सिर्फ शब्द से सुनना अथवा समझना नहीं, इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करके, इस पर चल करके उस परमात्मा के धाम का, उसकी लीला का और उसके स्वरूप का दीदार करना, दर्शन करना, उसको अपने हृदय में देखना, वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। चाहे हम किसी भी परंपरा को, चाहे हम वेद परंपरा का अनुसरण करते हों, चाहे कतिय परंपरा का, सभी का यही कथन होगा, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे वेद परंपरा में, हिंदू परंपरा में जितने भी ऋषि मनीषि हुए, सबका यही कथन है कि तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम, तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। उस परमात्मा को आत्मदृष्टि से देखे बिना, अनुभव किए बिना शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सुख का मूल कौन है? परमात्मा। शांति का मूल, आनंद का मूल वही है। अगर हम किसी और जगह पर प्रेम, शांति और आनंद को, शाश्वत सुख को, शाश्वत आनंद को और अखंड मुक्ति को ढूंढने लग जाएंगे तो वहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता। उस परमात्मा के अलावा किसी और जगह पर प्रेम, शांति, आनंद, शाश्वत सुख को ढूंढना और पाने का प्रयास करना, कोशिश करना वैसा ही है जैसे हम बालू में से तेल निकालने की कोशिश करें, निकल सकता है? नहीं। उसी तरह से अगर तेल निकालना है तो फिर सरसों को डालना पड़ेगा अथवा सोयाबीन को डालना पड़ेगा, तभी तेल निकल सकता है। इसी तरह से सही जगह पर सही तरीका अपना करके खोज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि इस ब्रह्मवाणी को पढ़ें, ब्रह्मवाणी को स्वीकार करें और इसको पढ़ करके हमें जो भी समझ में आता है उस पर चल करके, उस पर अमल करके अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।